सलाम साथियों, आप देख रहे हैं व्यूअर्स 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद फैजान। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और आज हम मधुबनी जिला के ईदगाह चौक पर हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही ईद उल अज़हा की नमाज, बकरीद की नमाज जिसे कहते हैं, वो अदा की गई है। धोबियाई चौक पर हम अभी उपस्थित हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन यहाँ पर 10 गांव से लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं और ईद बकरीद की नमाज इसी ईदगाह चौक धोबियाई पर होती है। और इस इलाके के लोग यहाँ पर जमा होते हैं। काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी गई इस ईदगाह में, जो काफ़ी खुशी का माहौल आप लोगों को दिख रहा है। किस तरह से यहाँ पर लोग जमा है, हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार कैसा रहा इस बार का माहौल, क्या कहेंगे। आज के दिन हम पूरे देशवासी को ईद उल अज़हा का मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये भगवतीपुर नाहर मंटोला का जो ईदगाह है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। इस बार कुछ और अलग ही रंग है इस बार, और कुछ मतलब लॉकडाउन के बाद पहली बार यहाँ पर ईद उल अज़हा की पहली बार इस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से कम 35 से 40 हज़ार आदमी लग रहा है लगभग यहाँ नमाज अदा किए। लोग आते हैं लगभग 10-12, लगभग 9 से 10 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे जमात होता है सब मिलजुल करके। और जिला का ये वाहिद कब्रिस्तान, अकेला कब्रिस्तान ये ईदगाह है जहाँ इतना बड़ा जमात होता है। इसको आपके माध्यम से पूरे देश के जितने भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सबको हम ईद उल अज़हा का मुबारकबाद पेश करते हैं। जी आप अपना परिचय दे दीजिए। जी मोहम्मद अनवर इस्माइली, हम राजद के छोटे से काजकर्ता हैं। लालू जी के लिए क्या आज दुआ, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ और आज के दिन खास दुआ करता हूँ लालू जी के लिए कि अल्लाह उसे सेहतयाब करे। खुशी की बात है जो नमाज जीत की नमाज हुई 2 साल के बाद, और क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो। पूरे देशवासी को, मैं हिंदू और मुस्लिम हूँ, सबको अपने तरफ से ईद बकरीद मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने तरफ से सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ। खुशी हो रहा है आज आप लोग बहुत दिनों के बाद 2 साल के बाद यहाँ पर ईद उल अज़हा, 2 साल में पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ जमा है लगभग, हमको 2-3 साल में लगा लॉकडाउन जब से लगा उसके बाद से खुशी से और खुल के आदमी को मिलने का और मौका मिला है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आके इकट्ठा होकर नमाज पढ़े हैं। इससे ज़्यादातर खुश हो रहा है, जो पहले गांव में पढ़ना पड़ रहा था, अकेले में पढ़ना पड़ रहा था, उससे ज़्यादातर लोगों को खुशी हुई है। जी क्या नाम हो गया चाचा आपका? मुश्ताक अहमद। अच्छा क्या कहना चाहेंगे ईद उल अज़हा के मौके से? ईद उल अज़हा के मौके पर मैं सब तमाम 10 बस्ती के जो यहाँ पर लोग आते हैं, मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हमारे हिंदू जितने भाई हैं वो सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ और अपने बस्ती के तमाम हजरात से बोलना चाहता हूँ, जितने भी मुसलमान भाई हैं सब आराम से और प्यार मोहब्बत के साथ अपना अपना काम करें, अपना अपना जो घर में है वो हिफाजत से करें, किसी तरीका सा ओपन ऑल नहीं कुछ करें, ना वीडियो पे ना व्हाट्सएप पे कोई भी तस्वीर ना भेजें ताकि माहौल बिगड़े, इसलिए माहौल को बना करके बना करके अपना काम करें। यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी गई और यहाँ पर तकरीबन 10 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी दिनों के बाद लगभग 2-3 साल के बाद यहां पर इस तरह का माहौल बना और लगभग 35 से 40 हज़ार लोग यहां पर आए हुए थे और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ईद उल अज़हा का समय है तो सारे लोग कुर्बानी करने के लिए यहां से गए हैं और लोगों को ये भी संदेश दे रहे हैं कि शांतिपूर्वक से कुर्बानी करें। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कितनी खुशी हो रही है। क्या नाम हो गया? इरफान। अच्छा कितना खुशी हो रहा है 2 साल के बाद यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा क्या नाम है बाबू? अल्ताफ। कितना खुशी हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी। मिठाई उठाई खाएं? यस। अच्छा क्या नाम है? सादिक। अच्छा क्या नाम है? सादिक। अच्छा कितना खुशी हो रहा है? बहुत। क्या नाम है? शहबाज। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी। कहाँ से आए हो नमाज पढ़ने? यही गौसनगर से। हाँ गौसनगर से। तो ये धोबियाई चौक पे है और ये देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल है। क्या नाम हो गया चाचा? मोहम्मद मुर्तजा। अच्छा क्या ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई ईदगाह चौक में, किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं? बहुत बेहतरीन तरीका से खुशी मनाई गई है, पिछले साल से अच्छी रही। अच्छा पिछले साल लोग लॉकडाउन के कारण आप लोगों को ईदगाह में आने नहीं दिया जा रहा था, परमिशन नहीं था, लेकिन इस तरह की खुशियाँ? इस तरह की बहुत खुशियाँ, पहले से भी अच्छी खुशी है और ऐसे होनी भी चाहिए हमारे समाज में, हिंदू मुसलमान सब एकता मिला करके खुशहाली पैदा कर रहा है। कहाँ से आते हैं आप?
हम जाते हैं झुआ से। अच्छा, जो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और किस प्रकार से खुशियाँ मनाते हैं, और ये आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई इसी ईदगाह चौक पर। काफ़ी खुशियों का माहौल है, मैंने भी इस ईदगाह में नमाज अदा किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।